में देख रहे, वहाँ कोई बैठा हुआ है। पूछते हैं कौन है ये लोग। भैया यहाँ क्यों बैठे हो? मुझे पहचाना नहीं? उस दिन ढाबे में जिसकी जान बचाई थी मैं वही हूँ। लगता है आप लोग परेशानी में हैं। चलिए मेरे साथ चलिए, मेरे घर चलकर बात करते हैं। चलिए ना, चलिए भैया। चलो भाई, चलिए। आ जाओ आ जाओ। फिक्र मत करो बेटा, हर एक बुराई के पीछे अच्छाई की दस्तक छुपी होती है। वो तुम्हें ढूंढते ढूंढते दर दर भटकेंगे, परेशान हो जाएंगे, फिर भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। क्योंकि हमारे यहां कोई भी आता जाता नहीं। जब किसी के यहां बेटा पैदा होता है तो खुशियां मनाने के लिए हमें बुलाया जाता है, बस उसके अलावा हमें कोई नहीं पूछता। क्योंकि हमारी कोई हैसियत नहीं। पर इसमें हमारी क्या गलती है? क्या हम इंसान नहीं है? देखो बेटा, अगर तुम उन बदमाशों के हाथ लग गए तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। दो दिन यहीं रुक जाओ, तुम्हारी जान को खतरा नहीं होगा। दो दिन बाद हमारे भगवान की पूजा है, हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे वहां, और वहां से तुम अपने गांव चले जाना। क्यों, क्या कहते हो बेटा? यही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा बेटा। दो दिन रुक जाओ ना भैया। जब इतना कह रहे हैं तो रुक जाते हैं ना दो दिन। भांजे, मुझे लगता है यही सही रहेगा, हमें रुक जाना चाहिए। हाँ हाँ, रुकिए ना। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, तुम भी बैठो। ये लो, तुम भी लो, लो। क्यों रो रही हो बेटी? इतने प्यार से आज तक मुझे किसी ने नहीं खिलाया माँ। हमारी भी वही कहानी है बेटी। बच्चों का सुख तो उस भगवान ने हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं। इसी तरह ही सही, एक माँ होने का एहसास क्या होता है आज मुझे भी पता चल गया। तुम भी तो मेरे बच्चे की तरह ही हो। खाओ, खाना खाओ। लाओ दे दो, हाथ धुलवाती हूँ। रुको रुको, एक मिनट रुको बेटा, इससे पोछ लो। सुनिए, एक मिनट। ये साड़ी मैंने अपनी माँ के लिए खरीदी है, आप रख लीजिए। मैं ये कैसे ले सकती हूँ? मैंने सोचा था कि मैं अपनी पहली तनख्वाह से अपनी माँ के लिए साड़ी खरीदूंगा, और आप भी मेरी माँ जैसी ही हैं, इसलिए ये मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आप ये रख लेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं बेटा, ये मैं अनजाने में मैंने उस पापी के यहाँ नौकरी की, और उसी के पैसों से ये साड़ी खरीद कर आपको देते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है। अगर ऐसी बात है तो मैं ये साड़ी ले लेती हूँ। कल देवी की पूजा में ये साड़ी उन्हें चढ़ाकर मैं खुद पहनूंगी, और इससे तुम्हारे दिल का बोझ शायद थोड़ा कम हो जाए। ठीक है। अरे गाड़ी क्यों रखा रे? रुक रुक रुक, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम अपने भगवान की पूजा करने जा रहे हैं, वहाँ सारे पाप धुल जाते हैं। तू भी पापी दिख रहा है, आजा आजा। हमारे नहीं आना है, चल निकल यहाँ से, चल तुम लोग। आपने हमारी बहुत मदद की, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया बेटा, तुम्हारी वजह से हम भी दो दिन हंस बोल लिए। एक माँ बनने का एहसास क्या होता है ये भी हमें पता चल गया। मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमारी देवी के दर्शन कर लो। हाँ, चलो, 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 च
हाँ जरूर चलेंगे। मेरा राजा बेटा। दीदी वहाँ बैठी आंसू बह रहा है, तेरे बेटे का कातिल यहाँ खुला घूम रहा है, तू हाथों में चूड़ियाँ पहने बैठा रहे, इसकी कहानी तो मैं खत्म करती हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी दीदी, काटो अंत उस कमीने का। क्या होता है आज मुझे भी पता चल गया, तुम भी तो मेरे बच्चे की तरह ही हो। खेल खत्म करने मामा। संभालो अपने को भाई। अरे जीना मरना तो ऊपर वाला का हाथ में होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं। हाँ भाई शांत हो जाओ, भाई शांत हो जाओ, संभालो अपने आप को। हिम्मत मत हारो, उसको किसी हालत में नहीं छोड़ना, उसे कहीं से भी ढूंढ कर निकालना होगा, तुम्हारे लिए वो मुसीबत बन सकता है, समझ गए ना। कहीं से भी उसको ढूंढ कर उसको खत्म कर दो, उसको जिंदा छोड़ने का मतलब है कि अपना मौत को बुलावा। ए, संभाल अपने को, रो मत रे भाई। अरे बे, कौन है भाई को धमकी देने वाला ये? अरे जानता नहीं क्या किससे बात कर रहा है तू? जान से मार देंगे तुझे हमारे। ऐसा ना कि नहीं, भैरव बोल रहा हूँ, काल भैरव। एक कमीने, तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, अपने बारे में कोई गलत फहमी मत पालना। जंगल में मुझ जैसे शेर का सामना करेगा ना तो तेरी मर्द होने की गलत फहमी दूर हो जाएगी। सामने आ, सामने आ, हिम्मत है तो सामने आ। तू भूखे शेर को ललकार रहा है, तेरी मौत जो तुझे बुला रही है, चल बोल कहाँ आना है। ये पूरा शहर मेरी जागीर है, हिम्मत है, हिम्मत है यहाँ आने की। अबे गीदड़ भपकी किसे दे रहा है तू? हाँ तेरे चमचों के सामने तेरी बलि चढ़ाऊंगा। तेरी बलि चढ़ाने वाला आज मेरे सामने खुद बलि हो जाएगा। मेरे सामने बकरी की तरह मैं करके गिड़गिड़ाएगा। तुम सब लोग सुन लो, जब तक मैं उसकी पोटी पोटी नहीं कर देता मेरी बहन की चिता नहीं जलेगी। देखता हूँ मुझसे बचकर कहाँ जाता है, चलाओ। अरे अरे कहाँ चला गया हो? रोको उसको कोई। अरे तो जा रहा है। अरे कैसे होगा? अरे अरे रुको राठौड़। हेलो एसीपी,
ध्यान से सुन, राठौड़ अपना बहन का अंतिम संस्कार किए बिना ताव में चला गया। पता नहीं कितना लोग को काट डालेगा, कितना लोग का लाश गिरा देगा। हमको तो बहुत डर लग रहा है। मेरा प्रोटेक्शन के लिए तुम यहाँ चलाओ। तुम काहे रो रही हो? हम हूं ना यहाँ पे। ए भैरव, आ गया। कब तक बचेगा तू? तुझे तेरी मौत यहां तक खींच कर लाई है। धपका दो साले को। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये डरने का नहीं बल्कि हिम्मत से काम लेने का वक्त है बेटी। नी उंगली के बराबर आदमी इतना मोटा आदमी को पटक दिया।
अरे हमारा प्रोटेक्शन वाला सब कहाँ चला गया? ए भाई इधर आओ। अरे बाप रे। गुड आफ्टरनून सर। कुछ नहीं किया हूँ। अरे कहाँ चला गया था तुम? हाँ? इतना भीषण लड़ाई चल रहा है और तुम हमको छोड़कर चला गया? नहीं सर। देखो उधर उनको पकड़ो कैसे। अरे वहाँ पे कौन शूटिंग चल रहा है जो तुम ऐसे खड़ा होकर देख रहा है? मैं और क्या कर सकता हूँ सर? अरे उसको मार देगा वो। माफ कर दो। क्यों कमीने, हट गई तेरी? इतना बड़ा दादा बना फिरता था ना तू? तो साले तेरी जान पर बनाई तो माफी मांग रहा है। ए, तू जैसे कुत्ते तो कितने आए और कितने चले भी गए। इसकी ताकत पे फुदक रहा था ना तू? कमजोरों से नहीं मुझ जैसे शेर से मुकाबला करता तब पता चलता तेरी मर्दानगी का। हट साला। लोगों को डरा धमका कर जो तूने इज्जत शोहरत कमाई है उस पर थू है थू। अरे इंसानियत के नाम पर तो तू कलंक है कलंक। मुझ में अपनी इंसानियत बाकी है इसीलिए छोड़ रहा हूँ तुझे। अगर आइंदा मेरे आड़े आया ना तो काट के रख दूंगा। ए, 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 सीपी, एनकाउंटर कर दो उसको। हाँ, सर। मंत्री बोल रहा है तुमको, शूट कर दो। हाँ, शूट कर दो उसको। हाँ। अरे थोड़ा धीरे से चलाना। अरे ये क्या, उसको मार दिया। कैसा निशाना है तुम्हारा? उसको शूट करने के लिए बोला था तुम उसको मार दिया। ए, बिना ट्रेनिंग के चले आए, कैसे ऑफिसर बन गए? निशाना सही है, सही आदमी को मारा है। मैं यहाँ इलाके का मुआयना करने आया और मैंने देखा कि कुछ लोग गुंडागर्दी कर रहे थे और इसीलिए मुझे एक्शन लेना पड़ा। और देखा तो आप भी यहाँ मौजूद है और राठौड़ और उसके आदमी तो आपको ही मार रहे थे। मुझे मार रहे थे? हाँ, और आपकी जान बचाने के लिए मैं अपनी जान पर खेल लिया, गोली चलानी पड़ी और अचानक उस राठौड़ ने आपको गोली से उड़ा दिया। हमको मार दिया? कैसा बात कर रहे हैं आप? हम तो यहाँ पर जिंदा खड़े हैं अभी। मजाक कर रहे हैं आप? मजाक नहीं है। अरे हमको मत मारिएगा, हमारा बीवी बच्चा है। अभी तो हमको सीएम बनना भी बाकी है, तुमको कमिश्नर बना देंगे। तुम तो बहुत ही अच्छा आदमी हो, हमको छोड़ दिए। और देखो ना, हमको मारने पर तुमको क्या मिलेगा? देश सुधर जाएगा। नहीं नहीं, हम सुधर जाएंगे ना, हम तुमको प्रॉमिस करते हैं, हम बिल्कुल सुधर जाएंगे, समाज सेवा करेंगे, आज से कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, हम प्रॉमिस करते हैं। देखो हमको छोड़ देना। चल माफ किया, छोड़ दिया आपको। तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा था ना मुझे 2 दिन दे दो, सब ठीक कर दूंगा। खत्म हो गया वो, अब तुम जहां जाना चाहते हो जा सकते हो। तुम बेकसूर हो, तुमने कुछ नहीं किया है। मंत्री गवाही देगा कि उसकी जान बचाने के लिए मैंने राठौड़ को मारा और भैरव का इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम एकदम आजाद हो, अपने गांव लौट जाओ और नई जिंदगी की शुरुआत करो। जाओ भैरव, अपना ख्याल रखना। ऑल द बेस्ट भैरव। चलता हूं सर। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।